बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं यहाँ डिस्कस करने लगी हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्पर्सल। इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्पर्सल, अब सबसे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करती जाऊँ कि जो बायोजियोग्राफी का जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, बायोजियोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायो जियोग्राफी वो है कि हर जानदार की जो स्पीशी है ना, उसका ओरिजिन होता है कोई ना कोई, जिसको हम लोग कह देते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन। सेंटर ऑफ ओरिजिन, अब वो खास प्लेस जहाँ पे जो एनिमल की जो स्पीशी है वो ओरिजिनेटेड हुई है, उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ओरिजिन। इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे फिर लिख लेती हूँ, एनिमल्स पर्टिकुलर प्लेस वेयर द स्पीशी ऑफ एन ऑर्गेनाइजम्स ओरिजिनेटेड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ओरिजिन का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो एनिमल्स है ना, वो लोकेलिटी होती है उसकी खास किस्म की, ठीक है, आर नॉट देयर ड्यू टू हैबिट। ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी हैबिट की वजह से ही वो उसकी लोकेलिटी हो, ना कि ये कि क्लाइमेटिक कंडीशंस डिपेंड कर रही हैं, बल्कि इस वजह से है कि एनिमल्स डू नॉट ऑलवेज अकर इन ऑल सूटेबल प्लेसेस, कि सारे के सारे जो जानदार है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि उनको सूटेबल प्लेसेस ही चाहिए होती हैं। अब वो सेंटर ऑफ ओरिजिन से स्प्रेड कर जाते हैं, ताकि जो है इनके जो इंसेस्टर्स हैं वो मल्टीप्लाई, जहाँ पे ऑलरेडी जो इनके इंसेस्टर्स हैं वो मल्टीप्लाइड हो चुके हों, और साथ साथ जो है ना माइग्रेशन करते हैं, ताकि ये फूड को हासिल कर सकें, शेल्टर ले सकें और स्पेस को ले सकें, और अपनी जो तादाद है ना उसको इंक्रीज कर सकें। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से इनको डिस्पर्सल या फिर माइग्रेशन करना पड़ती है जानदारों को। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि ये जो लोकेलिटी है या इनका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है, वो इस वजह से नहीं है कि इनको जो है वो स्पेसिफिक हैबिट है इनकी, या फिर इनकी क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड है। लोकेलिटी आर नॉट देयर ड्यू टू हैबिट, ये हैबिट की वजह से नहीं है, और ना ही ये जो है ना क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से है, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, बल्कि जो एनिमल्स डू नॉट ऑलवेज अकर, एनिमल्स डू नॉट ऑलवेज अकर इन ऑल सूटेबल प्लेसेस, बल्कि क्या करते हैं, ये स्प्रेड कर जाते हैं अपने ओरिजिनल सेंटर ऑफ ओरिजिन से। अब वहां पे स्प्रेड करते हैं जानदार जहां पे जो है ना इनकी जो इंसेस्टर्स है वो मल्टीप्लाइड हो चुके हों, इंसेस्टर्स मल्टीप्लाइड, यहाँ पे ये क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं आउटवर्ड, अब ये माइग्रेट क्यों करते हैं आउटवर्ड, ताकि ये क्या कर सकें, फूड को हासिल कर सकें, शेल्टर की तलाश में, और साथ साथ ये है कि स्पेस इनको बेहतरीन मिल सके, इनकी रिहाइश जो है ना वो अच्छी हो सके, और जैसे ही चीज़ें इनको मिलेंगी तो इनका क्या बढ़ जाएगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि इनकी जो तादाद है ये ज़्यादा बढ़ जाएगी, इनका जो स्पीशीज़ है वो नंबर क्या कर जाएगा, इंक्रीज्ड कर जाएगा।
अब एनिमल स्पीशीज की जो अक्रेंस है किसी भी खास एरिया में वो दो चीजों की वजह से होती है। देखो यहां पे मैं लिख रही हूं, अक्रेंस ऑफ एनिमल स्पीशीज इन गिवन एरिया। यहाँ पे हम लोग ये लिखते हैं रीजन, रीजन ऑफ अक्रेंस पर्टिकुलर स्पीशी ना गिवन एरिया, तो उसकी बेसिकली क्या वजूहत है। सबसे पहली जो चीज़ है ना, नंबर वन पे जो आ जाती है वो ये आ जाती है कि जो इन्वायरमेंट है ना वो कंड्यूसिव हो, ताकि ग्रोथ इनकी अच्छी हो सके, ठीक है, और इनकी टॉलरेंस की रेंज में हो। इन्वायरमेंट क्या हो, इन्वायरमेंट में दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो ये कि उसमें ग्रोथ इनकी अच्छी हो सके, और दूसरा ये कि इनकी टॉलरेंस में हो, इनकी बर्दाश्त के काबिल इन्वायरमेंट हो। ये पहला फैक्टर है। और दूसरा जो फैक्टर है बेसिकली वो ये है कि जो स्पीशी है ना वो पोसेसेस द एबिलिटी टू गेट देयर, कि जो स्पीशी है वो आसानी से उस जगह पर पहुंच सके। स्पीशी पोसेसिड दी एबिलिटी टू गेट देयर, ये जो स्पीशी है वो आसानी से उस जगह पर माइग्रेट कर जाए। अब बिल्कुल इसी तरह अगर एनिमल स्पीशीज की जो गैर मौजूदगी है ना खास पर्टिकुलर एरिया में, उसकी भी जो है ना वजूहत कौन कौन सी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। रीजन फॉर द एब्सेंस ऑफ स्पीशीज इन पर्टिकुलर एरिया, तो वो कौन कौन सी वजूहत हैं जी। सबसे पहले ये है कि उसकी उसके अंदर ये काबिलियत नहीं होगी कि वो माइग्रेट कर जाए, ठीक है, इन एबिलिटी टू माइग्रेट, इन एबिलिटी टू माइग्रेट। और ये है कि वो गिवन एरिया में ना पहुंच ना सके और ड्यू टू सम बैरियर। उसी क्या है जी, वो जो है खास एरिया में ना पहुंच सकी हो, इन एबिलिटी, इन एबिलिटी ऑफ एनिमल स्पीशी टू गिवन एरिया ऑफ सम बैरियर, कुछ रिकावटों की वजह से जो है ना वो एनिमल स्पीशीज के अंदर ये एबिलिटी ना हो कि वो बैरियर को क्रॉस कर सके। बैरियर से मुराद जैसे फिजिकल बैरियर हो सकता है, बायोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, उसके अलावा क्लाइमेट की कंडीशंस की वजह से जो है ना वो जो स्पीशी है वो ना मूव कर सके। नेक्स्ट है जी, हैविंग रीच्ड देयर इट वॉज अनएबल टू कम्पीट, अंदर ये ही एबिलिटी ना हो सके वो, उसके अंदर ये अन एबल टू कम्पीट कि वो दूसरी जो है ना स्पीशीज उसके साथ कम्पीट ना कर सके हो, और इस तरह से वो जो है ना सर्वाइवल या फिर मेंटेन ना कर सके हो खुद को, अनएबल टू कम्पीट अदर स्पीशीज। अब नेक्स्ट है जी, इसका जो तीसरा फैक्टर है वो ये है कि जब वो वहां पर पहुंच जाती है, लॉन्ग आइसोलेशन इट बिकेम अल्टर्ड इन डिफ्रेंसिएशन इनटू अ
न्यू स्पीशीज का, जब वो खास पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंच जाती है तो उसके अंदर इतनी चेंजेस आ जाती हैं, वो एक न्यू स्पीशीज जो है ना अख्तियार कर जाती है लॉन्ग आइसोलेशन की वजह से, लॉन्ग आइसोलेशन की वजह से इट बिकेम अल्टर्ड। इसमें क्या आ जाती है, इतनी तब्दीली आ जाती है, डिफ्रेंसिएशन हो जाती है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, न्यू स्पीशी के अंदर। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनाइजम्स ऑफ ऑल काइंड, सारे के सारे जो जानदार के सारे के सारे जो किस्में हैं ना वो खुद रिप्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, और ज़बरदस्त किस्म के रेट के साथ रिप्रोड्यूस करती हैं, ताकि जो नेचर में है जो है ना अपनी फिटनेस स्पीशीज को एग्जिस्ट कर सके, उनको सर्वाइवल एबिलिटी लेके आ सके। नेचर ने क्या करना होता है, उन्होंने नेचर ने उनको मीन्स ऑफ डिस्पर्सल का वे प्रोवाइड किया हुआ है, जिसकी वजह से जो है ना वो अपनी जो तादाद है उसको एक्सपेंड कर सकती हैं। ठीक है, क्या किया हुआ नेचर ने, ये तीन पॉइंट्स के बाद हम लोग मज़ीद डिस्कस करें। नेचर ने मीन्स ऑफ डिस्पर्सल का जो है ना वो प्रोसेस प्रोवाइड किया हुआ है, जिसकी फ़ायदा ये होगा कि जो स्पीशीज़ है ना वो अपनी सर्वाइवल एबिलिटी को बढ़ा सकेंगी, एबिलिटी इंक्रीजेस इन ग्रेटर रेंज। ज़बरदस्त किस्म के वास्ट एरिया पे भी जो है ना स्पीशीज, एक स्पीशीज़ की दूसरी स्पीशीज में हो सकती हैं। क्लियर है ये चीज़? और ये जो है ना डिस्पर्सल जो है ना वो बाउंड्रीज को क्रॉस करके भी हो सकता है। एनिमल्स के पास जो है ना आम तौर पर ज़्यादा कैपेसिटी होती है और ज़्यादा एफिशिएंसी होती है डिस्पर्सल की एज कम्पेयर टू दी प्लांट्स। एनिमल्स हैव ग्रेटर एफिशिएंसी, ग्रेटर कैपेसिटी कह लें या एफिशिएंसी कह लें या सलाहियत कह लें एज प्लांट्स, प्लांट्स की निस्बत। ठीक है, अब ये इसकी रीज़न क्या है जी, ऐसा क्यों है जी एनिमल्स हैव ग्रेटर कैपेसिटी एज प्लांट्स, तो उसकी मैं बात करने लगी हूँ इसकी रीज़न की, कि रीज़न क्या है जी। इसकी रीज़न ये है कि जो एनिमल्स है ना प्रोग्रेशन और लोकोमोटरी ऑर्गन्स मौजूद हैं एनिमल्स के पास, एनिमल्स हैव लोकोमोटरी ऑर्गन्स, ऑर्गन्स। ठीक है, और जो जिंदा जानदार है ना वो क्या करते हैं, मदद देते हैं मूवमेंट में, ठीक है, डिस्पर्सल में बाय बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स के जरिए। कैसी मदद मिलती है, बायोटिक और एबायोटिक जो है ना एजेंट्स की मदद से जो है ना जानदारों को क्या मिलती है, वो एबिलिटी मिलती है कि वो डिस्पर्स कर जाए। अब वो डिस्पर्सल जो कि बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स की वजह से होनी है उसको हम लोग कहते हैं जी पैसिव डिस्पर्सल, उसको किसका नाम देते हैं जी पैसिव डिस्पर्सल का नाम देते हैं, पैसिव डिस्पर्सल। ये किस वजह से होती है जी, बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स की वजह से होती है। अब बायोटिक एजेंट से क्या मुराद है, किससे बायोटिक एजेंट से क्या मुराद है, बायोटिक एजेंट्स, बायोटिक एजेंट से मुराद ये है कि पैरासाइट्स और सिम्बायोटिक्स। इसमें पैरा पैरासाइट्स आ जाते हैं, इसमें सिम्बायोंट्स आ जाते हैं। अब इन्होंने क्या करना होता है, इनके ज़रिए जो है ना
एक जगह से दूसरी जगह होस्ट जा चला जाता है, एग चला जाता है, लार्वा चला जाता है, बहुत ज्यादा एक्वेटिक एनिमल्स का, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स में जैसे स्नेल्स आ जाते हैं, फिशेस वगैरह आ जाती हैं, क्लियर है ये चीज़। पैरासाइट्स हो सकते हैं, सेम्बियोंट्स हो जाते हैं, इन्होंने क्या करना होता है, होस्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है। और जो एग है ना, एग्स भी और लार्वा भी, किन का एग्स और लार्वा, एक्वेटिक एनिमल्स का। अब एक्वेटिक एनिमल्स में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं जी, जैसे कि स्नेल्स हैं, फिशेस हैं। अब इन्होंने क्या करना होता है, अटैच हो जाना है टू फीट एंड फेदर्स ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स। अब ये जो एग्स हैं या लार्वा वगैरह हैं, इन्होंने एक्वेटिक जो बर्ड्स हैं ना उनके फीट या फिर उनके जो फेदर होते हैं उसके साथ अटैच होकर आसानी से जो है ना लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेना है। कहाँ पे कर लेना है, विद द हेल्प ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स, एक्वेटिक बर्ड फेदर, फेदर्स और क्या फीट, मैं से आसानी से कहाँ पे चले जाना है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर लेना है। अब ये किसकी बात हो रही थी, बायोटिक एजेंट्स के हवाले से। अब नेक्स्ट बात करते हैं ए बायोटिक एजेंट्स के हवाले से, नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव करते हैं। ए बायोटिक एजेंट्स, अब ए बायोटिक एजेंट्स में क्या आ जाती है, स्ट्रोंग विंड, क्या आ जाती है, स्ट्रोंग विंड। ये जिम्मेदार होती है कि आसानी से जो है ना वो ट्रांसपोर्ट कर सके साइड्स को, एग्स को और लार्वा को। अब उस लार्वाज को जो के मैनी स्मॉल इंसेक्ट्स के लार्वाज हैं, किसके लार्वाज हैं, जो स्मॉल इंसेक्ट्स के लार्वा हैं, स्नेल, स्पाइडर्स, बहुत ज्यादा जो छोटे परिंदे हैं ना वो आसानी से जो है ना लॉन्ग डिस्टेंस पे जो है ना वो मूव कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोंग विंड, ठीक है। अब दूसरा चांस ये हो सकता है कि कोई तूफान वगैरह आ जाए, क्या आ जाए, स्ट्रॉम वगैरह, यानी किसी में आ जाते हैं स्टॉर्म्स वगैरह, या फिर ये आ जाता है टोर्नेडोज। अब ये टोर्नेडोज हो जाती है, ये वुलेंटली रोटेटिंग कॉलम्स होती हैं एयर की, ये क्या हो जाती हैं, वुलेंटली रोटेटिंग कॉलम्स हैं एयर के अंदर, हवा के अंदर। अब इसमें करना होता है, ये एक्सटेंड करती हैं थंडरस्टॉर्म को, ग्राउंड के थंडरस्टॉर्म से जो है ना एक्सटेंड करती हैं, फैलती हैं, और इतनी इंटेंस ये हवा होती है ना जिसके जरिए जो है ना 1 घंटे में 200 माइल्स जो है ना ये इनकी जो है मूवमेंट होती है, और इसकी वजह से भी जो है ना बहुत ज़्यादा साइट्स, एग्स, लार्वा जो है ना एक जगह से दूसरी जगह जो है वो चले जाते हैं। अब ये था ए बायोटिक एजेंट्स में, नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोटिक डिस्पर्सल के हवाले से, यानी कि पैसिव डिस्पर्सल की बात होगी, हम लोग बात करने लगे हैं एक्टिव डिस्पर्सल की, एक्टिव डिस्पर्सल। मैंने दो काइंड आपको बताई हैं, एक मैंने पैसिव डिस्पर्सल की बात की थी और दूसरी मैं अब बात करने जा रही हूँ एक्टिव डिस्पर्सल के हवाले से। ये जो एक्टिव डिस्पर्सल है ना, अगर तो एनिमल मूव करे एक जगह से दूसरी जगह अपनी एफर्ट के जरिए, अपनी एफर्ट या फिर लोकोमोटरी ऑर्गन्स को इस्तेमाल करते हुए, तो उसको हम लोग एक्टिव डिस्पर्सल कहते हैं। ये कैसे होता है जी, एनिमल मूव करे
फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अभी किस तरह वजह से मूव करेगा, यहाँ तो अपने लोकोमोटरी ऑर्गन्स का इस्तेमाल करेगा, लोकोमोटरी ऑर्गन्स, या दूसरी ये होता है कि खुद की एफर्ट. तो ये बेसिकली जो है ना एक्टिव डिस्पर्सल में आ जाते हैं. बहुत ज़्यादा ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंड्यूस करते हैं डिस्पर्सल को, क्या करते हैं, फैक्टर्स इंड्यूसिंग डिस्पर्सल, फैक्टर्स इंड्यूसिंग डिस्पर्सल. वो कौन कौन से ऐसे जो है अवामिल हैं जो कि किसी भी जानदार को जो है ना वो डिस्पर्स होने के लिए मजबूर कर देते हैं, तो उसमें आ जाता है पॉपुलेशन प्रेशर. ठीक है, क्या आ जाता है कि पॉपुलेशन की तादाद जो है उस जगह पे ज़्यादा हो, पॉपुलेशन प्रेशर. दूसरा आ जाता है कि फूड सप्लाई की कमी हो, लैक ऑफ फूड सप्लाई. स्पेस की कमी हो, एडवर्स ज़बरदस्त शिद्दत की जो है ना क्लाइमेटिक कंडीशन हो जो उसके लिए सूटेबल ना हो, एडवर्स क्लाइमेट कंडीशंस हो, सडन जो है ना क्लाइमेट चेंज आए जैसे कि फायर हो जाए या फिर फ्लड वगैरह आ जाए, अचानक क्या हो जाए, सडन क्लाइमेटाइज हो जाए जिसमें फायर हो सकती है, फायर है, फ्लड है, स्लाब वगैरह, ठीक है, आग लग सकती है, या फिर यह हैबिट चेंज हो, चेंज ऑफ हैबिट हो जाए, इनके हैबिट की डिस्ट्रक्शन हो जाए. और ये है कि ओपनिंग हो जाए न्यू एरिया में, ऐसा भी होता है ना कि एक जगह से जो है ना दूसरी जगह खुद जो है ना फॉर बेटर सर्वाइवल के लिए जो है ना स्पीशीज को मूव करवाया जाता है, ओपनिंग अप ऑफ न्यू एरियाज एल्सवेयर, ओपनिंग अप ऑफ न्यू एरियाज एल्सवेयर. ये कितने हैं जी फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, पहला है, दूसरा, ये सेवन जो है ना ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिस्पर्स होने को के लिए स्पीशीज को मजबूर कर देते हैं, कंपेल कर देते हैं. ठीक है,